वेलकम बैक ए टी वी मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं सईद खान आफरीदी से जो कि बॉक्सिंग चैंपियन हैं, थाए बॉक्सिंग करते हैं 57 सेवन कैटेगरी वेट में करते हैं और इन्होंने इंडिया को दो दफ़ा नॉकआउट किया है इंडियन जो फाइटर है और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे टाइटल्स हैं जो इन्होंने विन किए हुए हैं ही ट्रूली इज़ अ मोमेंट ऑफ एन पर्सन ऑफ प्राइड जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है अच्छा जी सही तो आप हमें बता रहे थे 2016-17 तक हम पहुंचे थे कि आप थाईलैंड भी गए और फिर आपने इवेंचुअली वहाँ का थाई जो चैंपियन था उसको भी आपने ता, 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 मतलब शिकस्त दी जी, जी, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन से चैंपियन और कौन से मुल्क के साथ खेलना लगा अमेरिकन के साथ इंडियन के साथ थाई के साथ सबसे मुश्किल जो फाइटर हैं वो ताई है थाईलैंड के आ, फिर इसके बाद रशियन अच्छे फाइटर हैं अच्छा और भी अच्छे कंट्री है मतलब वहाँ जितने भी यूरोपियन और रशियन ये थाईलैंड ये सारे जब वहीं पे ट्रेनिंग करते तो वो बहुत मुश्किल टफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो साल साल वहीं ट्रेनिंग करते हैं और वहीं से फिर पूरी दुनिया जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करके फाइट कर क्योंकि उनके डाइट प्लान और उनकी ट्रेनिंग वो एक बहुत अच्छी किस्म की ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपने एथलीट में तो इस वजह से लेकिन अलहमदिल्ला मैं भी जो है ना अपने उस वसाइल तो इतने नहीं होते लेकिन एक लग और एक मेहनत की वजह से फिर भी जो है ना उनके बराबरी और उनसे अच्छा खेलता था मैं उनके साथ अच्छा ये जो आप अच्छा खेलते थे उसकी वजह आपकी टेक्निक होती थी या आपका स्टेमिना होता था या आपका जो अंदर एक वो जो होता है ना कि बस कुछ करना है जो अंदर से एक बंदा लड़ रहा होता है वो होता था आ, ये तो सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी टेक्निक भी आपके स्टेमना आपके ट्रेनिंग जितनी है लेकिन इसके साथ सबसे जो बेस्ट होता है कि वो आप जो है ना एक तो हम एज आ मुस्लिम हर चीज़ को फॉलो करते हैं तो इस, उस वजह से भी जो है ना हम जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनसे एक बिलीव होता है कि इन ये मैं जीतूँगा और उस हिसाब से हम मेहनत करते हैं तो ये भी होता है फिर इसके बाद जो दो हज़ार अठारह में मैंने जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखाई मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पर मैंने काफ़ी फ़ाइटें की एक फ़ाइट मुझे तकरीबन मुझे तकरीबन एक फ़ाइट वो uh,

वो उतारा लेकिन ये कि उसमें उस, उस फाइट में मुझे चोट भी काफ़ी लगी थी ये ट्वेल्व स्टेचेज आ गए थे एल्बो लगने की वजह से लेकिन वो फाइट सिर्फ एक पॉइंट से वो जीते थे अच्छा। एक पॉइंट से क्योंकि वो वो अगर देखा जाए वो फाइट शुरू से आखिर तक तो वो मैं जीत चुका था या बराबर ही था या मैं ज़्यादातर मेरी फ़ाइट अच्छी थी लेकिन वो क्योंकि उनके अपना आर्मी का ही फाइटर तो पूरी उनकी ब्रिगेड बैठी हुई थी और मेरे पास अपना पाकिस्तानी कोच भी नहीं था मैं अकेला ही था और जिस अकेडमी ट्रेनिंग करता था वो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान को तो कर रहा था लेकिन वो मुझे सपोर्ट वो कर रहे थे तो इस वजह से भी लेकिन एक उस फ़ाइट से मुझे फ़ायदा हुआ था कि एक तो मेरी जो शूट फोटो शूट हुई थी वो ब्लेड वाली वो पूरे बैंकॉक में उसके बोर्ड बने थे हर जगह बड़े बड़े लगे हुए थे मतलब नेक्स्ट फाइट के लिए और ये कि उनके चैनल पर काफ़ी फेमस हो गया था वहाँ के बाहर के चैनल पर ओ, उसके जी साथ जी। जो आप आखिरी का मुकाबला बिल्कुल, रखा कांटे का मुका बिल्कुल एक मैच जो है वो आखिरी मोमेंट टिल लास्ट मोमेंट जो है वो मैच आपने फाइट किया जी जी ये एक बड़ी बात है तो कैसा लगा जब आपके पहली दफा पोस्टर लगे और आपका वो एक ब्रूसली आपको याद आ गया जो आपका हीरो था जी बिल्कुल मैं ये Jackie जैकी चैन और दोनों में से कैसा लगा था जब आपने आपको बिल बोर्ड पे देखा बहुत अच्छा लगा था मुझे तो पता भी नहीं था जो वहाँ के मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो मुझे सेंड करे मैं पाकिस्तान में ही था जब बिल बोर्ड लगे हुए थे बड़े बड़े बिल बैंकॉक के बड़े बड़े स्ट्रीट पे लगे हुए थे और क्या लिखा था बिल बोर्ड उसमें ये फाइट की प्रोमोट

क्रिकेटर ही नज़र आते हैं हमें अपने ये आप जैसे लोग नहीं नज़र आते हैं ना हालांकि अगर आपका ये इंटरनेशनल ये आपकी पिक्चर जो कि अलामत है ना कि लास्ट मिनट तक फाइट करने की तो वो फिर हमारे यहाँ पर भी आना चाहिए था यहाँ तो बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए लेकिन नहीं अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं तो <laughs> क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे एक प्रॉपर एक मतलब एथलीट के लिए जैसे जो अच्छे जिनके एक नाम दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किए उनको एक मतलब एक प्रेजेंटेशन के लिए एक अवार्ड कुछ भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए इनके लिए जैसे क्रिकेट के बड़े मैच होते हैं उनके दौरान उनको बुलाना चाहिए ताकि इंट्रोड्यूस करवा सके बता सके कि हमारे ये हीरोज़ भी जिनको कोई जानता नहीं है क्योंकि बाहर तो हमें जानते हैं सब लेकिन यहाँ पर हमें वो पर सिलाई वो चीजें नहीं मिलती यानी अगर आप कह रहे हो आप बाहर चले जाओ जी जी तो लोग आपको देख के पहचान लेते जी जी बिल्कुल लेकिन पाकिस्तान में आपको इस तरह से नहीं पहचानते नहीं, नहीं नहीं इस तरह नहीं पहचानते अच्छा जी जी तो दिस इज नॉट गुड है ना बिल्कुल तो इससे कोई दिल बिल दुखता होगा परेशान एक बंदे <laughs> को होता तो है कि यार दिल तो खैर अगर दुखता हो तो फिर शायद इसको कंटिन्यू ना करते दिल बर्दाश्त हो कि छोड़ देते लेकिन ये कि हम कहते हैं चलो कहीं एक ना एक दिन तो आ जाएगा जिससे हम भी कोई ना कोई पहचान ही लें नहीं इस पता क्या कहा करते हैं इसके लिए क्या मुहावरा इसके लिए अपने आप को देने के लिए क्या कहना चाहिए कहना चाहिए दे। दे। बंदर क्या जाने अदरक का हर एक बंदे को एहसास नहीं होता कि जौहरी को पहचान होती है सिर्फ कि ये ये जो पत्थर है ये जौहर है वो क्या है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें पता होता है ना जब फाइट करीब आ रही होती है हमने कितने अपने आप में कितनी तकलीफ होती वेट कम करना और फाइट के लिए तैयारी करना दो दिन पे सब चीज़ें मतलब कम कर देना हफ्ता पहले जो है ना डाइट बिल्कुल सख्त हो जाए तो उसके हिसाब से हम जो है ना चीज़ें मेंटेन कर रहे अपने आप को तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर इसके बाद 2019 हज़ार उन्नीस में आ, मेरी फाइट आई थी एक इवेंट चल आ रहा था जिसमें वर्ल्ड के तकरीबन 100 प्लस कंट्रीज आ रही थी ठीक है बैंकॉक में नेशनल स्टेडियम में वो हो रहा था तो उसमें किक बॉक्सिंग कराटे मोयताई सारे बहुत सारे गेम हो रहे थे एक फेस्टिवल हो रहा था तो उन दिनों मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो गया था और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत की थी तो उसमें ये था कि जब मैं यहाँ से मेरे इनविटेशन आ गया मैं ऐसा यहाँ से तैयारी हो गई थी तो जो मेरी टीम थी वो रह गई थी पाकिस्तान में क्यों वो ये था कि हालात ख़राब हो गए थे मैं एक हफ्ता पहले चला गया था अच्छा। दो आ, फेबरी के एंड में जो अभिनंदन वगैरह जो इस तरह के हाँ। जहाज भी बिगड़ गया था उनका हाँ, तो हाँ। उन दिनों में जब मैं वहाँ पहुंचा तो पता चला कि पाकिस्तान टीम तो वहाँ रह गई मैं अकेला ही आया उनको तो वीजे ही नहीं दे रहे हैं वो नहीं बैंकॉक में चला गया था ना बैंकॉक की बात करूँ एयर स्पेस बंद हो गया था उन दिनों में एयर स्पेस बंद हो गई जंग का माहौल बन गया था तो मैंने एम्बेसी से रबता किया कि मैं अकेला ही आया हूँ और यहाँ पे तो अभी वर्ल्ड गेम स्टार्ट होने वाले तकरीबन हंड्रेड प्लस कंट्री सब एम्बेसीज आई हुई हैं तोने कहा कि बैंकॉक एयरपोर्ट में तकरीबन तीन हज़ार के करीब पैसेंजर फंसे हुए हैं तो पूरी एम्बेसी सारे स्टाफ उधर ही है तो हमारी दुआएँ आपके साथ है। जो कर रहे हैं खुद ही करो हमें नहीं पता अच्छा जब <laughs> इवेंट स्टार्ट हुआ तो फ्लैग मार्च में मैं अकेला ही पाकिस्तान का फ्लैग

तो पहली फाइट ही मेरी इंडिया के साथ आ गई थी और वो ये चाह रहे थे कि जो है ना क्योंकि जो फाइट के माहौल ऐसा बना हुआ था कि रेफरी जो थे वो जजेस जो थे वो भी इंडिया के थे साइडों पर बैठे क्योंकि इंडिया जो है ना इस चीज़ में बहुत आगे वो एशिया के प्रेसिडेंट है उनके तो ये चाह रहे थे कि हम जो है ना बदला लेंगे इनको फाइट में हरा देंगे इस तरह अच्छा, कुछ उनका ये फाइट उसी वक्त आ गई थी या नहीं जानबूझ के उन्होंने प्लेस नहीं ये तो मुझे नहीं पता था क्योंकि अब जब ऐसा माहौल होगा तो शायद उन लोगों ने खुद करवाई होगी तो क्योंकि उनको पता था ये अकेला है उनके साथ कोई टीम ही नहीं है हाँ। फिर मैंने जब मेरे वहाँ के ट्रेनर थे वहाँ फिर जब पता चला कि ये अकेला आया हुआ है तो फिर जब फाइट के करीब जैसी मैं बाहर आया रिंग में उतरने लगा तो मेरे बैक साइड पूरी वर्ल्ड इस तरफ थी इंडिया इस तरफ था सब मेरे सपोर्ट पे आ गए थे इंडिया और अमेरिकन ब्राजीलियन न्यूजीलैंड जितने भी टीमें थी सब मेरे सपोर्ट में ऐसा आ गए क्यों हुआ वो ऐसा हुआ कि उनको पता था कि जो ना अकेला है वो जो है आपस में लड़ाई भी चल रही है अच्छा जी तो वहाँ पे मेरे फिर अच्छे लेकिन कोई, अंदर कोई डर कोई था कि के मैं अकेला पता नहीं क्या डर तो खैर नहीं था डर तो मुझे मैंने यही सोचा था कि मैंने इनको नॉकआउट ही करना है अगर पॉइंट बेस पे आ जाए तो मुझे कभी भी जीतने नहीं देंगे जी, जी, भी जी, उनके जी। हैं तो मुझे कभी भी नहीं जीतने देंगे तो मैंने यही सोच रखा था मैंने किसी तरीके से खत्म करना है तो मैंने जो है उठने नहीं दिया उसको उठने नहीं दिया इसके लिए ना ये इसलिए क्योंकि मतलब ये हमारी आर्ट राइवलरी है हम अगर ना भी उसको उस तरह से करें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में रखने की कोशिश जी भी जी। करें तो दूसरी तरफ से कभी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें दिखाई नहीं देती सो so, बड़ी बात है क्योंकि आपने जो आप सिर्फ एक रिंग के अंदर नहीं आपने मुकाबला किया जो आप ओवरऑल हालात बता रहे पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उसने भी नहीं उस तरह सपोर्ट किया होना चाहिए जी, जी. एक अगर प्लेयर वहाँ पे मौजूद है और वो अगर कॉल करता है अपनी एम्बेसी को और एक इंटरनेशनल इवेंट है और वहाँ पे कोई मदद चाहिए तो आई थिंक के ये एक बहुत बड़ा, बड़ा। ए, एक आम पाकिस्तानी की क्या हालात जी, होते होंगे अगर एक प्लेयर एक चैंपियन जो है उसको नहीं सपोर्ट मिल रही तो एक इ, आम पाकिस्तानी जो है वो अगर जाता होगा तो उसकी कहाँ पे कोई सुनवाई इंडियन एम्बेसी भी बैठी हुई थी अपने फाइटर को देखने के लिए आपकी एम्बेसी भी नहीं बैठी मीडिया भी आया हुआ था उनका क्योंकि वो तो ये चाह रहे थे कि बस किस तरीके से गिर जाए ब्रेक कर दें न्यूज़ उनके लिए तो आप अकेले सईद खान आफरीदी नहीं थे उनके लिए तो आप एक पाकिस्तान का झंडा था जिसको गिराने की कोशिश कर रहे थे हैं फिर उसी दिनों

एयरपोर्ट पे भी नहीं आया नहीं एयरपोर्ट पे तो मेरे जो टीम थी वो आई थी लेकिन इस तरह नहीं था जैसे मैं सोच रहा था कि मैंने जैसे वहाँ पे जहाज़ गिरे यहाँ पे मैंने इंडियन फाइटर को गिराया वो भी अकेले इतने मुश्किलात में आके और सब चीज़ें करके लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि इतना वो कुछ मुझे नहीं आपकी में। कोई फेडरेशन पाकिस्तान में है जो कि ये मोहताए बॉक्सिंग को या फिर अब तो अब तो एम एम ए वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जीजी। तो कोई फेडरेशन ऑपरेट करती है ये स्पोर्ट्स के अंदर जबकि हम बात करते हैं कि हमने ओलंपिक्स में जाना है और हमने चैम्पियंस ये जो जितनी भी टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें जाना है और मेडल्स लेकर आने हैं तो फिर कोई गवर्नमेंट की कोई बॉडी है जो इसको देख रही हो बॉडी तो यहाँ पर मेरे ख्याल में है मोयताए की है दो तीन बॉडी है गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट नहीं है मतलब ने बना मन, मन, तो। लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी मसला है कि एक आ, स्पोर्ट्स के जो ना तीन तीन चार चार लोगों ने जो ना बॉडीज बनाई होती है उसमें ये नहीं पता कौन रियल है कौन फेक है तो इस वजह से एथलीट को बहुत ज्यादा मुश्किल आते हैं हर चीज में चाहे बॉक्सिंग में ले चाहे एम एम में ले जितने भी हैं सब में जो ना इसी तरह मतलब एक खिचड़ी बनी हुई है कि किसी को नहीं पता कि मैंने किस तरफ से मुझे कौन जो ना अच्छा रास्ता देगा कि मैं आगे निकल जाऊं तो आपस में उनकी भी नहीं बनती तो ये चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये सारी चीज सिलसिला यही होता है कि ये जी, जो जी, इदारे जी, है

एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पाकिस्तानीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे दिल इतने बड़े हो जाते हैं जब आप जैसे नौजवान जो हैं वो उतरते हैं मैदान में और हमारा सर फ़खर से बुलंद कर देते हमने जिन्होंने कुछ नहीं किया होता आप लोगों के लिए आप हमारे लिए इतना कुछ कर देते हो कि हमारा वहाँ पे भरम वकार झंडे का भी हमारे मुल्क का भी हमारा भी रह जाता है कि हमारे पास ऐसे शेर जवान जो है मौजूद हैं सो हम इसका देन जो है वो दे ही नहीं सकते और देना चाहिए Uh, ये जो अवार्ड्स में आती हूँ इस बारे में भी 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 बात करती हूँ आपसे कि ये जो टाइटल्स आपने जीते हैं इसके अलावा कभी कोई नेशनल अवार्ड आपके हिस्से में आया लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द ब्रेक मॉर्निंग